सबसे पहले नमस्कार। जय माता दी। नमस्कार, सबसे पहले वेलकम टू हरिद्वार। आप हरिद्वार में आपका स्वागत है भगवती छोले भंडार में। मुझे बताइए कि ये दुकान कितने साल पुरानी है? लगभग यहाँ मैम मैं तीसरी पीढ़ी खड़ा हुआ। अच्छा, आप तीसरी पीढ़ी हो तो कितने साल हो गए? दादाजी किया करते, ग्रैंड फादर किया करते थे पहले काम को। हाँ। फिर उनके बेटा उनके सुपुत्र कर रहे हैं। मुझे बताओ कि आप मुझे क्या रिकमेंड करोगे? मैम आपकी जो अच्छा करे वो खाओ, सब कुछ अच्छा है, सब बिना प्याज का है, बाकी सब टेस्ट की बात होती है। छोले भटूरे हैं, छोले चावल है, छोले कुलचे हैं, बंद छोले है, एक होता है बंद मिक्स, हर जगह मिलेगा कुलचे का। हमारे यहाँ बनता है बंद का, बोलते भीजा कुलचा, मीठा वाला होता है। लाइट मीठे का बनेगा, स्वाद अलग होगा इसका। और आपकी छोले की प्लेट का रेट क्या है? छोले भटूरे और छोले चावल पर प्लेट 90 रुपए प्लेट है, हाफ 60 फुल 90। ये मसाला आलू है, ये छोले का सूप है, मैं यहाँ की स्पेशलिटी है, गरम सिर्फ इसमें होता है, बनता है इस पतीले में। तो इतने बड़े पतीले में पतीले का एक बार साइज देख सकते हो? सब कुछ बिना प्याज का ही, यदि आपको जुकाम लग रहा हो, कुछ हो रहा हो, इसे पी लो, सब ठीक हो जाएगा। एक प्लेट में कोई 10 गिलास ही पीता है, कोई मना नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं है। तो हमारी प्लेट लगा दीजिए। बन तोड़ के, बन को तोड़ दिया, ये थोड़ा सा सूप डाल दिया इसमें। सूप से ना क्रश हो जाएगा, मैच हो जाएगा पूरा। वो ये डाली चटनी, पुरानी भाषा में उसको बोलते लोग अद्दा, तो बंद मिक्स बोलते हैं, कोई भीजा कुलचा बोलता है, कोई गीला कुलचा बोलता है। भीगा कुलचा तो मैंने जम्मू में भी खाया है, वो कुलचे का बनता है। हाँ। हमारे यहाँ बंद का बनेगा, ये लग रहे हैं छोले चावल। मुझे बताइए टेस्ट में ऐसी क्या बात है कि लोग इतनी दूर दूर से आते हैं? खाना मैम सब बड़ों का आशीर्वाद है। अच्छा। तो मेंटेन की बात होती है बस, जैसे मैं खुद ही खड़ा होता हूँ। छोले इसमें सर्व होंगे, भटूरे पत्ते में दिया जाएगा। अच्छा, भटूरे पत्ते में दिया जाएगा। और ये बॉन चाइना के बाउल है, इसमें सर्व किए जाते हैं। ये हमारे कुलचे होते हैं, कुलचे अपने बनवाते हैं हम लोग, ये खस्ता होती है हमारी। हाँ। ये छोले की ये राइस होता है। ये क्या होता है? राइस होता है। ये अचार है गाजर का, ये चटनी है, और ये सिर्फ अलग से प्याज मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे भटूरा लगने जा रहा है, तो ये ले ली पेड़ियाँ, तो हाथों से इसको पेड़े मार मार के तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो गर्मा गर्म डेढ़ प्लेट भटूरे जा रहे हैं, तो भाई देख के मुँह से निकल रहा है कि बहुत ज्यादा टेस्टी होंगे, बहुत ज्यादा मजेदार होंगे। भटूरे का नाम सुनते ही ना मुँह में पानी आ जाता है। यहाँ पे प्रॉपर पूरा फिटिंग अरेंजमेंट भी है। ये है प्याज। हाँ। ये ग्रीन चटनी है। हाँ। ये हो गया पिकल्स अचार। अचार एक ट्रे दे दे। ये आ गए चावल, और ये आ गए ये लगा रहा हूँ आपके लिए छोले चावल। हर चीज में आप सूप भी डालते हो थोड़ा थोड़ा। हाँ जी। आज मैं आ गई हूँ हरिद्वार के भगवती छोले भंडार में, जहाँ पे ना भैया बिल्कुल शक्ति कपूर जैसे दिखते हैं यार, इनका नाम ही फेमस हो गया शक्ति कपूर जैसा। और यहाँ पे जो हम ट्राई करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं, ये है हमारे छोले राइस, ये है हमारे बंद छोले। जो मीठे वाला बंद आता है ना यार, उसको छोले में डिप करके वो कॉम्बिनेशन आज मैं ट्राई करने वाली। और साथ में है ये हमारे ऑल टाइम फेवरेट यार, हमें दिल्ली वाले, और दिल्ली वालों की जो जान बसती है ना वो किसी और चीज में नहीं, वो छोले भटूरे में बसती है। यहाँ पे ये इतनी सारी चीजें एक एक करके टेस्ट करके बताते हैं किसका टेस्ट कैसा होने वाला है। ये रहा भटूरा, ये रहा छोला, और ये देख सकते हो ये है मेरा बाइट। तो इसको जल्दी से टेस्ट करके बताते इसका टेस्ट कैसा है। तो अगर टेस्ट की बात करें ना, ऑनेस्टली बोलूंगी छोले मुझे ना थोड़े से ओवर स्पाइसी लगे। आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा मसाले पसंद है तो आप ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। मुझे बिल्कुल ओके ओके ही लगा। इसके लिए मैं यहाँ पे आई थी, वो है मेरे यहाँ पे मीठे वाला बन और छोले। तो देख सकते हो जो बन है ना ये बहुत अच्छी तरह से मिल गया है, घुल गया है ये। और इसको टेस्ट करके बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। तो अगर मैं बन की बात करूँ ना, बन के साथ छोले का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा, टोटल वर्थ इट है। लगता है कि यार मसालेदार छोले और मीठे बन का क्या कॉम्बिनेशन है, लेकिन सच में बहुत ही मजेदार कॉम्बिनेशन, इसको जरूर ट्राई करें। साथ में मुझे मिला है यहाँ की स्पेशलिटी जो है वो है यहाँ का सूप। तो इसको पहले एक बार अच्छे से घुमा लेती हूँ और उसका टेस्ट करके बताऊंगी इसका टेस्ट कैसा है। तो सूप की अगर बात करें ना, सूप मुझे ओके ओके ही लगा है, लेकिन यहाँ पे जो जिसने मेरा दिल जीत लिया, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, वो मुझे लगा ये बन छोले का कॉम्बिनेशन। अगर हम भगवती छोले भंडार में आ रहे हो ना हरिद्वार के, इसको जरूर ट्राई करें। मैं यहाँ पे अपना सारा का सारा मील एंजॉय करती हूँ और मुझे आपसे देखती हूँ।